स्वागत करते हैं। डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक की तमाम टीम की तरफ से आपको रमजान बहुत मुबारक। रमजान एक ऐसा पवित्र महीना है जिसमें हर व्यक्ति सब कुछ उनके सिर्फ एक काम में लग जाता है, वो है ऊपर वाले की इबादत। ऐसा खूबसूरत मौका है और एक डॉक्टर हमसे ज्यादा यहाँ नादान है रोड क्लिनिक पे बैठ के इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जब तमाम हमारे मरीज एक एक महीने की दवा बना के ले जाते हैं। उनका कहना होता है डॉक्टर साहब हम रमजान में नहीं आ पाएंगे, रमजान हमारी इबादत का महीना है, इसमें हम केवल एक काम करते हैं इबादत। तो इतने खूबसूरत इतने पवित्र महीने को और जो लखनऊ में खूबसूरती से मनाया जाता है, ये जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है, तमाम इफ्तार में रोज शाम को क्लिनिक के बाद कहीं ना कहीं जाते हैं, हम लोग भी इफ्तार देते हैं, तमाम लोग आते हैं। तो ऐसे खूबसूरत मौके को हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। और मैं आपको बता दूं हम लोग के मरीज पूरी दुनिया में हैं और लखनऊ का जो रमजान मनाने का अंदाज है, इबादत सब करते हैं और सबकी इबादत उतनी पवित्र होती है, लेकिन यहाँ जो एक भाईचारे वाला एलिमेंट रमजान में जुड़ जाता है वो इतना खूबसूरत होता है कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दूसरी मैं नहीं देख पाता हूँ। मैं हर जगह लोगों से बात करता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लेकिन जो लखनऊ का रमजान का महीना है, अभी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं चौक की तरफ रहता हूँ, तो जब नखा से चौक जाता हूँ तो रास्ते में अकबरी गेट की ढाल पड़ती है, अकबरी गेट पड़ता है। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप अकबरी गेट कहीं भी हिंदुस्तान में आप रहते हो, एक बार आप अकबरी गेट की शाम रमजान के वक्त देख लें तो आप लखनऊ से मोहब्बत पहली नजर में करने लगेंगे। आपने लखनऊ के बारे में जितना सुना होगा आप उसे खूबसूरत लखनऊ को पाएंगे। रमजान एक ऐसा महीना है जो हम लोगों को त्याग सिखाता है, वो सिखाता है कि ये भूखे व्यक्ति की भूख क्या होती है, प्यासे व्यक्ति की प्यास क्या होती है। हम लोग आमतौर पर लोग अपील करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि शादियों के बाद कहीं भी शादी हो रही हो, किसी भी होटल में, किसी भी लॉन में, उसके बाद एक गाड़ी खाना जो है सड़क पर पड़ा अगले दिन मिलता है, कैटर जितना खाना बचता है सब फेंक के चले जाते हैं। ये महीना उस खाने की कीमत को याद दिलाता है, कोई रोजा रखे या न रखे, किसी भी धर्म का हो, दूसरे धर्म के लोग अगर रोजा नहीं रख रहे हैं तब भी ये याद दिलाता है कि जो प्यास और भूख की तड़प होती है ये किसे कहते हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को रोजा रख के देख लेना चाहिए कि एक भूखे आदमी की भूख और एक प्यासे आदमी की प्यास किसे कहते हैं। तो रमजान का ये जो महीना है ये त्याग का महीना है, ये इबादत का महीना है, ये प्यार का महीना है, और इसके बाद जो एक खुशी की लहर आती है जब ईद आती है तो क्या कहने होते हैं। हम लोग भी हर अपने भाई के यहाँ मिठाई लेके पहुंचते हैं, दिवाली में वो लोग आते हैं, होली में आप लोग आते हैं, तो ऐसे भाईचारा यहाँ पे लखनऊ में चलता है। और ये भाईचारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस बात को अपने इस जो मैं बोल रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ, उसमें मैं इसको बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी निजी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हिंदुस्तान दो तरह के वार की तरफ खड़ा है। पहला है सिविल वार, और सिविल वार धर्म के लिए नहीं होगा, सिविल वार होगा भूखे के लिए, सिविल वार होगा गरीब और अमीर के बीच में। ये सारी रिपोर्ट्स कहती है, जितनी भी इकोनॉमी की रिपोर्ट्स आती है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इसका सिविल वार अब होगा, जिसके पास भरा हुआ है गोदाम में, और जो बिल्कुल भूखा है, जिसके पास अब लूटने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं बच रहा है। हम दुआ करते हैं ये ना हो, इस रमजान का पवित्र महीना है, मैं दुआ करता हूँ, और इस पवित्र महीने में सबसे पहले मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि खाने और पानी को बर्बाद ना करें। ये हर धर्म के व्यक्ति के लिए है, जो लोग रोजा रख रहे हैं वो इसकी अहमियत समझ ही रहे हैं, जो रोजा नहीं रख रहे हैं उनको भी इस बात की अहमियत समझनी चाहिए कि अगर 15 घंटे पानी पीने को नहीं मिलता है तो कैसा महसूस होता है। और शायद यही ऊपर वाले ने इसी चीज को ध्यान में रख के इसको बनाया है कि आप गरीब की प्यास और भूख का अपने अंदर एक एक्सपीरियंस ले लें। अंत में मैं कहना चाहूंगा इसके लिए अपना ध्यान रखें, इफ्तार में आप सबसे अच्छा हम सब जानते हैं खजूर माना गया है, खजूर को आप जरूर खाएं, इससे आपका हार्ट भी बिल्कुल सही रहता है, और इसको आम दिनों में भी खाएं, रमजान का पवित्र महीने के बाद भी आप खजूर जरूर खाएं, और अजवा खजूर मिल जाए तो बाकी क्या है, इसको आप खाएं, आपके हार्ट के सारे वाल्व्स ठीक रहेंगे और आप इसको ठीक रहेंगे। इसके अलावा आप दूध जरूर पिए, क्योंकि दूध या दूध के प्रोडक्ट जरूर लें, क्योंकि मिल्क कंप्लीट फूड है, मिल्क WHO कहता है कि कंप्लीट फूड है,
तो आप मिल्क जरूर लें, आप लेते भी होंगे, उसको अच्छे से पका के आप बनाते होंगे, बिल्कुल उसको बनाएं। उसके अलावा फल सब जानते हैं, अनानास से लेके तमाम फल जो कि बहुत कारगर है रमजान के महीने में, और जितना अपना वक्त मिले उसमें बॉडी को जितना हाइड्रेट कर ले बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊपर वाला कहता भी है कि अपना ध्यान रखो, अपने को अपना ध्यान रखो, बहुत मुकद्दर से ये मिला है, उसने एक बना के आपको भेजा है, तो अपना ध्यान रखने में भी कोई बुराई नहीं है, अपना ध्यान बिल्कुल रखें। और साथ में मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बात और रखना चाहूंगा, जैसे हम देखते डायबिटीज के काफी पेशेंट होते हैं, तो जिनके डायबिटीज कम है वो तो रोजा रख लेते हैं ठीक है, लेकिन जिनकी क्रॉनिक डायबिटीज है, वैसे तो आपका अपना मत है आप चाहे बिल्कुल रखें, लेकिन जो इंसुलिन पे है, जो क्रॉनिक डायबिटीज या बीमारी है, वो थोड़ा सा उस बीमारी का ध्यान दे और ठीक हो जाए, ताकि अगला रोजा वो अच्छा रख सके। ये हमारी आपसे अपील है, और एक बार फिर आप सबको रमजान का महीना बहुत बहुत मुबारक, पूरे लखनऊ की तरफ से पूरी दुनिया के सारे लोगों को रमजान का महीना बहुत बहुत मुबारक।